बिकॉज राखी सावंत इज रियली एन एंटरटेनर, और वो जो भी करती है ठीक है, और मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था क्योंकि मुझे वो दोनों काफी क्यूट एंड वेरी स्वीट कपल, आई थिंक काफी कंपैटिबल यू कैन से. किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना बहुत गलत है, आई थिंक दैट इज नॉट राइट. किसी बंदी ने उसके हस्बैंड को ठरकी बोला तो वो तो एकदम ही फेयर बात है ना, कोई भी गुस्सा हो जाएगा. निधि जी, आपका स्वागत है पहले तो फिफा फूज में। पहले थैंक यू सो मच. तो जानना चाहूंगी जो आप शो कर रही वो कैसा चल रहा है, क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है शो. इट्स लाइक पिछले महीने और भी ज्यादा अच्छा चल रहा था, एंड वी होप कि इन फ्यूचर भी काफी अच्छा चले. इट्स अ प्राइम टाइम शो, कलर्स पे आता है. आई होप दैट यू हैव सीन इट. इट्स गोइंग रियली यस वेल. स्टोरी हैज टेकन अ रियली इंटरेस्टिंग टर्न. इफ यू नो द स्टोरी, ओमकार का पर्सनालिटी पूरा चेंज हो गया है, एंड आई एम प्लेइंग द विलेन. आई एम ट्राइंग टू यू नो ब्रेक देयर प्लान्स, यू नो फेल देयर प्लान्स एंड ऑल, सो दैट ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोई थिंग टू सी जी कोई ओमकार. ट्विस्ट एंड टर्न्स आप बता सकती है जो आने वाले दिनों में हमें दिखने वाला है? इंटरेस्टिंग ट्विस्ट? नहीं, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा शो. ओके, अगर बात की जाए कलर्स का शो बिग बॉस, जो कि पॉपुलर शो है, वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल शो है, तो बिजी स्केड्यूल में से आप कितना फॉलो कर पाती हैं? एक्चुअली मैं ऑनेस्टली नहीं कर पाती हूँ फॉलो. मैं जितना भी मुझे पता है बिग बॉस का अपडेट, वो सिर्फ सोशल मीडिया से है. आई सी क्लिप्स ऑन इंस्टाग्राम एंड दैट्स हाउ आई नो अबाउट इट. सो आई रियली सॉरी अबाउट दैट. आई डू नॉट फॉलो बिग बॉस सो मच. आई एम अनेबल टू जी एक्चुअली बिकॉज ऑफ माई जी हेक्टिक शेड्यूल. जी जी समझ सकती हूँ ऑब्वियसली। लेकिन बात की जाए आपकी जो को एक्ट्रेस है यानी कि रुबीना दिलैक, वो बिग बॉस के घर के अंदर है, तो क्या आपने जो भी सोशल मीडिया के थ्रू देखा है उनका गेम कैसा लग रहा है, कैसी लग रही है वो घर? मुझे लगता है कि रुबीना इज बीइंग हर सेल्फ. रुबीना एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, काफी असर्टिव लड़की है, और जैसा मतलब मुझे जितना क्लिप से समझ में आया, जैसा वो बिग बॉस के घर में रहती है वैसी ही वो रियल लाइफ में भी है. जी शी इज वेरी काइंड, वार्म. अपने जितने भी यू नो को एक्टर्स हैं उनसे वो काफी अच्छे से बिहेव करती है, उनका काफी ध्यान रखती है. और अगर वो असर्टिव होती है कहीं पे तो देन इट शी ओनली बिकम्स असर्टिव ओनली वेन इट इज नीडेड. तो मुझे काफी स्ट्रांग पर्सनैलिटी लगती है रुबीना, एंड आई थिंक बिग बॉस में भी वो काफी स्ट्रांग दिखाई मतलब दिखी गई है, बिकॉज दैट इज हर पर्सनैलिटी, दैट इज हाउ शी इज. जी और निधि, ये भी चीज है कि घर के अंदर ले लीजिए, काफी सारे कंटेस्टेंट ने यही कहा है कि रुबीना में बहुत ज्यादा घमंड है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर समझती है, सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, अथॉरिटेटिव है, न जाने क्या कुछ बातें कही गई हैं उनके लिए। तो आपने उनके साथ काम किया है, चाहे ऑन कैमरा हो ऑफ कैमरा हो, कैसी है वो, क्या बताना चाहेंगी ऑडियंस को? बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे नहीं लगता है कि रुबीना में घमंड बिल्कुल भी है. एक्चुअली उसे घमंड नहीं कहते हैं, उसे कॉन्फिडेंस कहते हैं. और मुझे कभी भी रुबीना में वो जेलेसी और वो जो फैक्टर होता है ना, जिसमें यू नो किसी और की टांग खींचना या किसी और को नीचे दिखाना, वो उसमें कभी नहीं था, कभी है ही नहीं रुबीना में. रुबीना एक बहुत असर्टिव पर्सनालिटी है. वो काफी मतलब अगर उसे कोई पॉइंट सही लगता है तो वो उसपे इतनी कॉन्फिडेंट रहती है कि वो उससे हिलती नहीं है. बट उसका मतलब ये नहीं कि उसको घमंड है, उसका मतलब ये है कि उसे अपनी बात पे बहुत भरोसा है. तो हाँ, कुछ लोग उसे अथॉरिटेटिव या फिर कुछ लोग उसे घमंड से यू नो कंफ्यूज कर सकते हैं, पर वैसा मेरे हिसाब से कुछ नहीं है रुबीना में. मैं जितना उसके साथ काम की हूँ, मुझे तो वो काफी डाउन टू अर्थ, तो काफी स्वीट लड़की लगी है. जी, और ये भी कहीं ना कहीं वीकेंड का वार ले लीजिए। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, आई कैन हियर यू. जी, वीकेंड का वार ले लीजिए। हर कोई कहीं ना कहीं ये भी बात कहता है रुबीना को लेके कि वो रिश्तों को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करती हैं, जब तक सामने वाला उनके कंट्रोल में है तब तक वो अच्छा है, अगर नहीं तो फिर वो बुरा है, उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया तो वो बुरा बन जाता है। तो आपसे जानना चाहूंगी कि वो रिश्तों को लेकर अगर किसी से उन्होंने दोस्ती की कुछ भी, तो कैसे निभाती है? फायदा निकालने वाली बात पर्सनली मुझे तो कभी भी रुबीना में नहीं दिखी कि उसने अगर दोस्ती की हो तो उससे कोई फायदा उसे निकालना है इसीलिए उसने की है. बट हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी की पर्सनालिटी वैसी होती है राइट, कि आप अपनी बातों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो या फिर इतना भरोसा होता है आपको की बातों पे कि
कि अगर कोई बात वो ना माने तो आप थोड़ा उनसे गुस्सा हो सकते हो, बट मेरे हिसाब से उसकी फ्रेंडशिप वैसी नहीं है कि वो यू नो अल्टीरियर मोटिव हो, कुछ सोच रही हो कि अरे चलो इससे दोस्ती करेंगे तो ये होगा वो होगा, मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ है। मुझे जरूर लगता है कि हाँ अपनी बातों पे काफी असर्टिव, काफी ज्यादा स्ट्रांग टिकी रहती है, तो उसकी वजह से क्लैशेस हो सकते हैं प्रोबेबली। और सेट पे मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, शक्ति की एक को एक्ट्रेस है, उन्होंने कहा था कि सेट पे वो हुक्म चलाती हैं, चलाती थी, अपने आप को ऊपर समझती हैं, हाँ उनमें है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें। तो कुछ ऐसी सेट की बातें जो आप बता सकती है जनता को? मतलब मुझे लगता है कि हाँ वो काफी ऐसे नहीं मैं बोलूंगी कि वो हुक्म चलाती थी, बट एक एक्टर जो होता है उसे जिस तरीके का बिहेवियर रखना चाहिए वैसा वो रखती थी डेफिनेटली। अगर चीजें सही नहीं चल रही तो वो जरूर बोलती थी, वो वैसी नहीं है कि सहन कर लो, चलो काम है तो कर लो सहन, क्योंकि यू नो इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर जॉब, थोड़ा सा वो सही चीज के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार काफी धूप हो रही थी एंड वी वर शूटिंग लाइक सिंस अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो अ को एक्टर आस्क फॉर वाटर, पर वो वहां पर उस समय अवेलेबल नहीं हुआ, तो रुबीना ने तब डांटा सब, क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। अगर वहां पर अगर कुछ गड़बड़ हो रही है कि यार पानी भी अवेलेबल नहीं है, इतनी धूप में काम कर रहे हैं, अगर को एक्टर्स परेशान हो रहे हैं जो भी है, तो उनके लिए उसका बोलना तो सही है, तो वो जरूर वो करती थी, जब रिक्वायर्ड है तब वो करती थी डेफिनेटली, लेकिन आई थिंक दैट इज फेयर। जी, और दोस्ती की अगर बात की जाए, पहले जासमीन के साथ उनकी दोस्ती हुई थी जो कि टूट गई, फिर अभी निक्की के साथ दोस्ती हुई है, और निक्की पर भी ऑन एंड ऑफ उनका जो ट्रस्ट है वो ऐसा ही है, और ये भी कहा जा रहा है कि निक्की जो है रुबीना की पॉपेट बन के रह गई है। तो आपको क्या लगता है कि दोस्ती जिस तरीके से, किसके साथ ज्यादा अच्छी थी उनकी दोस्ती आपके साथ? आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मुझे बिग बॉस फॉलो करना चाहिए, लेकिन मैं इतना कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं ऐसे ऐसा थर्ड पर्सन कह सकती हूँ, क्योंकि किसी भी फ्रेंडशिप में वो थोड़ी सी डोमिनेंट ट्रेट रख सकती है, क्योंकि अगेन स्ट्रॉन्गली ओपिनियटेड गर्ल शी इज, तो प्रोबेबली यू नो ऑन एंड ऑफ होना बहुत ईजी है, क्योंकि हर किसी का अपना एक बहुत स्ट्रांग ओपिनियन होता है, तो अगर ओपिनियन क्लैशेज होते हैं तो दोस्ती में ऑन एंड ऑफ चलता है, आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई वेरी न्यूट्रल। अच्छा, घर के अंदर जी, घर के अंदर एक बार डार्क सीक्रेट्स अपने शेयर करना था, जहां पर रुबीना ने खुलकर नेशनल टेलीविजन पर बताया था कि उनका उनके हस्बैंड के साथ चीजें सही नहीं चली थी, डिवोर्स लेने वाले थे, पर उन्होंने 6 मंथ्स का टाइम दिया खुद को और बिग बॉस के घर में आए। तो ये जब आपने सुना प्रोमोस को थ्रू, जहां पर भी सोशल मीडिया में, तो कितना शॉकिंग था आपके लिए? मेरे लिए तो काफी शॉकिंग था, बिकॉज अगर ऐसा है तो वो इतना हम लोगों से तो शेयर नहीं करती थी, और मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि मुझे वो दोनों काफी क्यूट एंड वेरी स्वीट कपल, आई थिंक काफी कंपैटिबल यू कैन से, क्योंकि काफी समझदार लगते हैं दोनों ही मुझे, काफी वेल बिहेव्ड एंड समझदार एंड काफी सोफिस्टिकेटेड कपल, आई एक्चुअली अडोर देम, तो मेरे लिए तो काफी शॉकिंग था। जी, और घर के अंदर कई बार उनके जो पर्सनल मुद्दे हैं, मतलब जो उनके पर्सनल रिश्ते हैं, उस पर बहुत बार लोगों ने टारगेट किया, कई सारी बातें सुनाई, जैसे राहुल वैद्य ने कह दिया था अभिनव को कि जो अपनी पति का नहीं हो सका वो किसी और का क्या होगा। तो आपको लगता है कि घर वालों को कहीं ना कहीं जो पर्सनल अटैक है वो नहीं करना चाहिए, जब सामने वाला सामने आके इतनी बड़ी बात शेयर करता है नेशनल टेलीविजन? वेरी ट्रू, मुझे लगता है ये बहुत ही गलत चीज है, कि ठीक है इट्स अ गेम, लेकिन यू कैन यू नो ऑलवेज प्ले इट फेयर, किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करना बहुत गलत है, आई थिंक दैट इज नॉट राइट। जी, और अभी अगर आपने प्रोमो देखा होगा, मे बी राखी सावंत जो एक लव एंगल चला रही थी अभिनव शुक्ला के साथ, वो अभी अभिनव शुक्ला ने उनसे दूरी बना ली है जब से उनकी बातें पता चली है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी अभिनव को उन्होंने ठरकी कहा, जिसपे रुबीना बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो उनके ऊपर बाल्टी भरा पानी फेंक देती है राखी सावंत, ये मैंने देखा। तो इसमें मैं तो आपको कौन सही कौन गलत लग रहा है इस चीज में, क्योंकि कई लोग राखी का सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग रुबीना का सपोर्ट कर रहे हैं, तो बीइंग एन ऑडियंस
मुझे मुझे जितना मैं अभिनव को जानती हूँ, मुझे तो वो बिल्कुल भी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेल बिहेव्ड बंदे लगते हैं। ठरकी किसी को बोलना ये बहुत बड़ा ही स्टेटमेंट हो गया। एंड आई डोंट नो राखी सावंत व्हाई व्हाई शी सेइंग दैट, प्रोबेबली जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिसिटी। आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। एंटेंटर इट इज नॉट राइट। इट इज आई थिंक आई रियली सपोर्ट रूबीना। इफ शी इज लाइक एंग्री की किसी किसी बंदी ने उसके हस्बैंड को ठरकी बोला, तो वो तो एकदम ही फेयर बात है ना। कोई भी गुस्सा हो जाएगा, तो आई थिंक रुबीना इज राइट, डू नॉट। जी। और बिग बॉस के घर की अगर बात की जाए, आपको पता ही है कि घर ऐसा होता है कि रिश्ते टिक नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं टूट जाते हैं सारी चीजें। तो बीइंग एन कपल, मैरिड कपल, बिग बॉस के घर में आना, आपको लगता है रुबीना ने और अभिनव ने राइट डिसीजन लिया, क्योंकि लोग उन्हीं आई को एज अ पति पत्नी ही टारगेट कर रहे हैं? नो, आई थिंक मुझे नहीं मेरे मेरी ओपिनियन में रूबीना का बिग बॉस में अभिनव के साथ जाना इतना वाइज डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगेन वही है, आप हस्बैंड वाइफ हो, बहुत सारी बातें पर्सनल बातें निकलेंगी। ऑफ कोर्स उसका मुद्दा बनाएंगे, उसका मैटर बना के उछालेंगे, एंड बहुत सारी चीजें होगी। तो मेरे पर्सनल मेरे हिसाब से कि हाँ, इट वॉजेंट अ वाइज डिसीजन टू गो टू हस्बैंड। जी। और घर के अंदर देखा जाए तो चाहे सलमान खान की भी बात कर ली जाए, फैंस बार ये कहते हैं कि सलमान खान सिर्फ और सिर्फ रुबीना को ही टारगेट करते हैं। पिछले वीकेंड के बार में हमने देखा था किस तरीके से राखी का सपोर्ट किया था अभिनव को, उन्होंने बताया था कि अभिनव को फायदा मिल रहा है राखी के इस एंटरटेनमेंट से। तो आपको क्या लगता है कि सच में फायदा मिल रहा है या फिर अभिनव का खुद का एक गेम है घर के अंदर जो खेल रहे? मुझे लगता है फायदा तो मिल रहा है थोड़ा, बिकॉज राखी सावंत इज रियली एन एंटरटेनर, और वो जो भी करती है ठीक है। हाउ एवर लाइक डम इट साउंड डम इट सीम्स, लेकिन वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, पीपल एक्चुअली लाइक टू सी इट। तो हाँ, उससे थोड़ा फायदा तो मेरे हिसाब से होता ही है, जो नेगेटिव पब्लिसिटी बोल दो, लेकिन हाँ पब्लिसिटी इज पब्लिसिटी, दैट काइंड ऑफ फायदा। जी। और निधि, सलमान खान के ऊपर भी इल्जाम लगाया फैंस ने कि वो सिर्फ और सिर्फ रुबीना को ही टारगेट करते हैं, जब भी वीकेंड का वार आता है वो उन्हीं को टारगेट करते हैं, बातें सुनाते हैं। हाँ ओके, तो ये बात के लिए तो मैं सीरियसली बिग बॉस फॉलो नहीं करती हूँ इतने अच्छे से कि मैं आपको बोल सकूँ कि हाँ सच में मुझे क्या लगता है ओपिनियन। बहुत छोटा छोटा मैंने क्लिप देखा है, तो आई एम रियली सॉरी, आई रियली हैव टू स्किप दिस क्वेश्चन, आई रियली डोंट नो। ओके, रुबीना की अगर बात करूं तो आपको क्या लगता है उनकी कौन सी तीन क्वालिटीज है जो कहीं ना कहीं उन्हें विनर बना सकती है इस घर, इस शो का? तीन क्वालिटी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दैट शी हैज, सेकंड असर्टिव नेचर, जी एंड थर्ड शी इज वेरी केयरिंग। आई थिंक जितनी भी केयर उनकी बिग बॉस में दिखी है, जितना भी मैंने देखा है, आई थिंक इट्स जेन्युइन बिकॉज शी इज अ जेन्युइन पर्सन, दैट आई कैन से। अच्छा, टॉप 5 में आप किन किन कंटेस्टेंट्स को देखती हैं? रुबीना, अभिनव एंड राखी सावंत, एंड आई डोंट नो, आई कैन ओनली नेम थ्री। और टॉप 2 में कौन जाएगा? आई विश अभिनव एंड रुबीना, बाकी आई कांट से अगेन, बट आई रियली विश अभिनव एंड ओके, रुबीना। जाते जाते जो शक्ति के फैंस है, जो अभी तक शक्ति को, जो शक्ति शोज को पसंद कर रहे हैं, आपके शो को पसंद कर रहे हैं, रुबीना के फैंस क्या कहना चाहेंगे उन सभी के लिए? मैं बहुत 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 ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगी उन लोगों को, क्योंकि हम लोग जो भी कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और हम लोग जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग अस, कीप वॉचिंग आर शोज। इफ यू शक्ति फैन प्लीज वॉच पिंजरा, इफ यू पिंजरा फैन प्लीज वॉच शक्ति, बिकॉज बोथ आर लाइक सो क्लोज टू माई हार्ट, एंड आई रियली विश कि आप लोगों को हम ऐसे एंटरटेन करते रहें। थैंक यू सो मच निधि हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट, आगे भी हम ऐसी ही बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू, बाय। बाय, टेक केयर।